नमस्कार, आज मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि पिछले वीडियोस के बाद इस वीडियोस को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन नए टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ और मुझे आशा ही है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर में बहुत सारी किताबों में मैंने देखा अलग अलग प्रकार से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन साइज, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन वर्क, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन साइज। इस तरीके से जो उसमें लिखा हुआ है उसके अलावा मैं दो तीन किताबों के बाद आपको जो चीजें बताने वाला हूँ आई होप आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, नंबर दो डिजिटल कंप्यूटर, नंबर तीन हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी पहले स्थान पे जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरे स्थान पे जो है, दूसरे नंबर का कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है, तीसरे नंबर का कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर है। आज मैं इन्हीं कंप्यूटरों के बारे में आपको अलग अलग चीजों से बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो से। नंबर एक पे है एनालॉग कंप्यूटर, वे कंप्यूटर जिन कंप्यूटरों में डेटा प्रोसेसिंग सीधी रेखा में हो, वे कंप्यूटर जिनमें डेटा प्रोसेसिंग एक सीधी रेखा में हो, यानी मैंने डेटा को इनपुट किया, कंप्यूटर में गए डेटा, उस पर प्रोसेसिंग हुआ और आउटपुट निकल गया, आउटपुट आ गया। जो डेटा प्रोसेसिंग हुआ कंप्यूटर में जाने के बाद जो डेटा प्रोसेसिंग हुआ, डेटा पे जो कार्य हुआ वो एक सीधी रेखा में हुआ, कंप्यूटर में आया, वर्क हुआ, बाहर निकला। इस प्रकार के सारे कंप्यूटरों को हम क्या कहेंगे, एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर पुराने समय में, मतलब कि पहले समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में ज्यादा यूज होता था, डॉक्टरी के क्षेत्रों में ज्यादा यूज होता था, वायु दाब मापी या तापमान मापने के यंत्र या ऐसे सारे यंत्र या कोई भी चीज नापने के लिए, ऐसे सारे यंत्रों का उपयोग पुराने जमानों में एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता। आज भी इसका उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आज इसका उपयोग नहीं होता। डॉक्टर के क्षेत्रों में जो एक्सरे वाली मशीनें बड़ी बड़ी होती थी पहले जो होती थी, आप तो डिजिटल एक्सरे आ गया है, उसके पहले जो डॉक्टर के क्षेत्रों में एक्सरे वाली मशीनें होती थी आप देखे होंगे, वो एनालॉग मशीनें होती थी। ईसीजी नापने वाली मशीन आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे नापता है, वो मशीनें यही थी। दाब मापी, वायु दाब मापी, ये सारे यंत्र जो है एनालॉग में होते हैं। स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, गाड़ियों में जो सुई लगी होती है जो स्पीड बताती है, सुई वाली, ध्यान रखिएगा, सिर्फ सुई वाली जो स्पीड बताती है वो क्या होता है, एनालॉग मशीन। यानी इसके हम कह सकते हैं वह डिवाइस या वह मशीन, वह कंप्यूटर जिसमें डेटा प्रोसेसिंग एक सीधी रेखा में हो, डेटा डाला मैंने कंप्यूटर में गया, उस पर प्रोसेसिंग हुआ, बाहर निकल गया, रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, इसको कहेंगे एनालॉग मशीन। डिजिटल मशीन क्या है, आते हैं डिजिटल मशीन में। जैसे ही डिजिटल मशीन मैं आपको बताऊंगा, एनालॉग और भी अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं डिजिटल, ये है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट माने होते हैं अंक, वे सारे कंप्यूटर जिसमें अंकों का प्रयोग हो, अंक यानी बाइनरी अंक, ध्यान रखिएगा, अंक यानी बाइनरी अंक। ऐसे सारे कंप्यूटर होते हैं जिसमें अंकों का प्रयोग होते हैं, लेकिन बाइनरी अंकों का प्रयोग हो, यानी जीरो और वन का प्रयोग हो, बाइनरी अंक यानी जीरो और वन, दो ही अंक होते हैं बाइनरी में, जीरो और वन, जीरो हमेशा फाल्स को और वन हमेशा ट्रू को इंडिकेट करता है। तो जिन कंप्यूटरों में अंकों का प्रयोग हो, यानी इन दो अंकों का प्रयोग हो, उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर।
इसमें डेटा प्रोसेसिंग सीधी रेखा में नहीं होता, याद रखिएगा। मैंने अपने डेटा प्रोसेसिंग वाले जो है क्लास में आपको बताया था कि डेटा प्रोसेसिंग इसमें सीधी रेखा में नहीं होगा, डिजिटल कंप्यूटर जो होंगे उसमें डेटा प्रोसेसिंग सीधी रेखा में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया रहा होगा, ये इनपुट डिवाइस है, ये डेटा है, डेटा इनपुट के माध्यम से हमने अंदर भेजा कंप्यूटर में, यहां मेमोरी है, मेमोरी मेमोरी है, ये मेमोरी है, सबसे पहले मेमोरी में गया, मेमोरी ने उसको सीपीयू में भेजा, सीपीयू मेमोरी ने उस डेटा को कहां भेजा, सीपीयू में भेजा, सीपीयू ने उस पर कार्य किया, फिर से कहां भेजा, मेमोरी में भेजा, और मेमोरी ने फिर उसे आउटपुट दिया, आउटपुट दिया। अब डेटा कैसे हो गया, डेटा ऐसे जा रहा है मेमोरी में, फिर टेढ़ी हो गया ना, इधर आ गया सीपीयू में, सीपीयू में आने के बाद इस पे कार्य हो रहा है, फिर ये मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी से फिर उसको अंग्रेजी में, फिर इसको कंप्यूटर ने आउटपुट दिया, सीधी रेखा में हुआ। जबकि एनालॉग कंप्यूटर में क्या था, एनालॉग कंप्यूटर में था डेटा आया सीधी रेखा में गया और बाहर निकल गया, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जो ट्रांसलेटर का काम करती है, वो हमारे डेटा को बाइनरी में बदलता है, फिर बाइनरी में बदलने के बाद फिर उसको अंग्रेजी में बदलता है और आउटपुट देता है, तो सीधी रेखा में प्रोसेसिंग नहीं होता। वे सारे मशीन, आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा होगा, पहले जो स्पीडोमीटर थे वो राउंड में अगर सुई लगी होती थी, जो सुई 40 पे 50 पे 60 पे जाता था तो हमको पता चलता था कि इस समय हमारे गाड़ी की स्पीड इतनी है, लेकिन अब क्या है, अब गाड़ियों में भी डिजिटल मीटर आ गए। डिजिटल मीटर आने से क्या हो गया कि अब उसमें सुई हटा के सीधे डायरेक्ट अंक लिख के आते हैं, इतने में आपकी गाड़ी स्पीड चल रही है, इतने स्पीड में चल रही है, इतने स्पीड में चल रही है, वो क्या है, वो डिजिटल मीटर लग गया है, एनालॉग मीटर को रिप्लेस कर दिया गया, डिजिटल मीटर लग गया। पहले जो कैमरे आते थे उसमें रीड होती थी, उसको मैनुअली एनालॉग की तरह उसको आगे बढ़ाया जाता था, अब जो कैमरे आ गए हैं वो सारे कैमरे जो हैं वो डिजिटल आ गए हैं, उसमें रील घुमानी नहीं पड़ती, अपने आप फोटो खींचता है आगे निकल जाता है, सेव हो जाती है मेमोरी में जाके। डिजिटल कंप्यूटरों में मेमोरी के लिए एक बड़ा स्थान दिया जाता है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी के लिए स्थान नहीं दिया जाता। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में अंकों का, डिजिटों का प्रयोग, डिजिट का प्रयोग किया जाता है। घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी, एक घड़ी होती है सुई जिसमें अंक पहले से लिखे होते हैं, वो अंक आते जाते नहीं, सुई जिस पे जाएगी उतना घड़ी होगा, उतना समय बताएगा, सुई, सुई वाली घड़ी को एनालॉग आप उसको मान लेते हैं, उस घड़ी को एनालॉग मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद एक घड़ी आई जिसमें अंक लिख के आते हैं, अगर 8 बज रहे हैं तो इस तरीके से सुई नहीं बताएगी इसमें कि 8 बज गया, और ये 12 वाली बड़ी वाली सुई 12 पे आ गई, यहां 8 बज गया, तो ये सुई नहीं बताएगी, अब 8 बज गए तो इस तरीके से 8 बजेंगे, इस तरीके से 8 बजेंगे, यानी ये डिजिटल घड़ी है। ये वाली घड़ी कौन सी है, एनालॉग घड़ी। जो ये वाली घड़ी आती है, ये वाली घड़ी को हम क्या कहेंगे, एनालॉग घड़ी। इस घड़ी को क्या कहेंगे, डिजिटल घड़ी, जिसमें इस तरीके के अंक बता रहे हैं कि 8 बज गए, और ये लाइट की तरह चलता है। हाथ में भी पहनने वाले जिसको हम कहते हैं भुकभुकैया घड़ी, वो क्या होती है, डिजिटल घड़ी होती है, जो हाथ में समय बताता है, अंक उस पे आते हैं लिख के, उसमें लाइट जलती है वगैरह। लेकिन एक चाबी वाली घड़ी आती है, वो डिजिटल नहीं होती, उसमें सुई होते हैं, वो डिजिटल नहीं होती, वो कौन सी होती है, एनालॉग होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग सीधी रेखा में होता है, डिजिटल कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग मेमोरी से सीपीयू में, सीपीयू से फिर मेमोरी में, फिर उसके बाद आउटपुट मिलता है, इसको एनालॉग, इसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में मेमोरी और माइक्रोचिपों का ज्यादा उपयोग किया गया होता है, इसमें बाइनरी संख्याओं का यूज किया जाता है, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें बाइनरी संख्याओं का यूज किया जाता है, इस बात का ध्यान दिया है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अपने
लास्ट कंप्यूटर की तरफ, जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं हाइब्रिड का बीज है, लोग कहते हैं कि ये सिंपल बीज है। हाइब्रिड के बीज क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा हाइब्रिड है। हाइब्रिड यानी संकर पद्धति, यानी दो अलग अलग प्रजातियों को जब मिला दिया जाता है उससे जो प्रजाति तैयार होती है वो हाइब्रिड कहलाती है, और वो अपने पिछले कंप्यूटरों से ज्यादा तेज और ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जब इन दोनों कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है, इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर को मिला दिया जाता है, तो तीसरे नंबर का कंप्यूटर बन जाए। इन दोनों कंप्यूटर को मिला दिया जाएगा तो यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होगा, यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होगा, यहां पे हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होगा। अगर इसको इसको इस प्रकार के कंप्यूटर को इस प्रकार के कंप्यूटर को मिला दिया गया तो हाइब्रिड कंप्यूटर तैयार होता है। जैसे आपने पेट्रोल पंप पे जो बड़े बड़ी मशीनें लगी होती हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल को नापने का भी काम कर रही है, और कितने का पेट्रोल लिया, आपने कितनी मात्रा में पेट्रोल लिया, ये सब भी काम कर रही है। यानी दो तरीके से काम कर रही है, एनालॉग का भी काम कर रही है और डिजिटल का भी काम कर रही है। तो उन दोनों कंप्यूटरों को मिला दिया गया तो तीसरा कंप्यूटर बना हाइब्रिड। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एटीएम मशीनें लगी होती हैं वो पैसे को गिनने का भी काम करती हैं, और ऊपर जो कंप्यूटर लगा तो उसमें ये भी बताती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा बचा है। यानी उसमें हाइब्रिड भी लगा हुआ है और एनालॉग भी लगा हुआ है, यानी वो कौन, अरे सॉरी, उसमें डिजिटल भी लगा हुआ है और एनालॉग भी लगा हुआ है, यानी वो कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरीके से कंप्यूटर तीन भागों में बांटा गया, नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, नंबर दो डिजिटल कंप्यूटर, नंबर तीन हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर समझ में आता है। अगर हम कहें तो डिजिटल कंप्यूटर को पांच भागों में और बांटा गया है, यानी डिजिटल कंप्यूटर पांच प्रकार के होते हैं। दूसरी किताबों में आपको वो साइज के आधार पर दिखाए गए होते हैं, लेकिन यहां हम मानेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर पांच प्रकार के होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर, नंबर दो पे जो है मिनी कंप्यूटर, नंबर तीन पे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, और नंबर पांच पे है सुपर कंप्यूटर। ये पांचों कंप्यूटर जो भी हैं, इसको इसके बारे में डिटेल रूप से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियोस में बनाने पे टाइम ज्यादा एक्सपेंड करेगा, लंबा हो जाएगा। इसके लिए ये जो कंप्यूटर के प्रकार है जो डिजिटल के अंतर्गत आते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन साइज, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस ऑन साइज, इसके आधार पर जो ये कंप्यूटर बनाए गए हैं, या डिजिटल कंप्यूटर के जो ये पांच भाग मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं अगले वीडियो में लेके आपके सामने जल्दी हाजिर होऊंगा। नमस्कार।